वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपने माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज माता कलीसिया धन्य कुवारी मरियम कलीसिया की माता की यादगारी मनाती है। यह पर्व संत पापा फ्रांसिस ने 3 मार्च 2018 को घोषित किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, माँ मरियम कलीसिया की माता का पर्व पेंतेकोस्त के दूसरे दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों के साथ माँ मरियम उपस्थित थीं और उनके साथ मिलकर प्रार्थना में लीन थीं जब उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। जिस तरह माँ मरियम अपने मार्गदर्शन एवं प्रार्थना द्वारा शिष्यों को पवित्र आत्मा को ग्रहण करने तैयार करती रहीं, आज भी वह कलीसिया की माँ हैं। कलीसिया जो इस धरती पर तीर्थयात्री है। यह दिन उस महान दिन की यादगारी है जब माँ मरियम ने लूर्द में 14 वर्षीय बर्नाडेट को दर्शन दिया था, जिसका 160वां वर्षगांठ 2018 को मनाया गया। मुक्ति विधान में मरियम का स्थान अनुपम है। आज के पर्व द्वारा कलीसिया हमें यही सिखाती है कि हम पिता ईश्वर की कृपा पात्री सभी गुणों से संपन्न माता का आदर सम्मान करें। आज मरियम हम सभी दुखियों और गरीबों, अनाथ व निर्बलों, धर्मी एवं पापियों की माता है। अपने पुत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने दुख सहा, विशेषकर कलवारी रास्ते से लेकर क्रूस मरण तक। किंतु अब वे स्वर्ग की रानी बनकर हमारे लिए यीशु से मध्यस्थता करती हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने यीशु को क्रूस के नीचे खड़े शिष्य योहन से कहते सुना, यह तुम्हारी माता है। फिर अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। चूंकि योहन सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह हम उनकी संतान बन जाते हैं। माँ मरियम को योहन ने अपने घर में स्थान दिया और माँ मरियम उसके यहाँ एक माँ की जगह लेती है। क्रिस्तीय समुदाय में भी वह सबको प्यार करती है एवं सेवा करती है। इस प्रकार नवजन्मे क्रिस्तीय बच्चों को गले लगाती है। माँ मरियम एवं संत योहन के माध्यम से दो महत्वपूर्ण बातें उभर कर आती हैं। पहला है,
हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। हमारे माता पिता कभी कभी हमें गलत समझते हैं, हमारे निर्णयों को अस्वीकार करते हैं या वे हमें गंभीर रूप से चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। दूसरा, हम पारिवारिक दायित्वों के जिम्मेदार हैं, हम उनसे मुक्त नहीं हैं। प्रभु के प्रति प्रतिबद्धता को पारिवारिक रिश्तों या जिम्मेदारियों से ऊपर रखना चाहिए। प्रभु के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए हम प्रभु से माँ मरियम के सभी अच्छे गुणों को अपने जीवन में साकार करने के लिए प्रार्थना करें और उनके सानिध्य में रहकर उनकी मध्यस्थता द्वारा सभी ज़रूरतों, इच्छाओं व कामनाओं के लिए पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करें कि हर कठिन परिस्थिति में धीरज, दिलासा और सांत्वना का अनुभव कर सकें। आमीन।